राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में राहुल गांधी को चैलेंज किया है। शुक्रवार को कौशाम्बी की एक जनसभा में उन्होंने राहुल का नाम लेकर कहा, मैदान तुम तय कर लो, देश में कहीं भी भाजपा वाले दो दो हाथ करने को तैयार है। शाह ने आगे कहा, सोनिया जी हो, राहुल जी हो या और कोई भी हो, जब भी मोदी जी को गाली दिए तो जनता ने इन गालियों के कीचड़ में कमल को और मजबूत करके खिलाया है। पीएम मोदी को गाली देने वालों का हश्र बुरा हुआ है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ, उनकी सांसदी चली गई, अब वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनकी सांसदी नियम के तहत गई है। इसी नियम से अब तक 17 नेताओं की सदस्यता जा चुकी है। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, दरअसल लोकतंत्र नहीं, उनका परिवार खतरे में है। विपक्ष के नेता संसद नहीं चलने देते, संसद का समय बर्बाद करने के लिए इस देश की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। कुछ लोग विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस को संविधान पर भरोसा नहीं है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।